उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से गौवंशीय पशुओं के साथ नगर निगम कर्मचारियों द्वारा की जा रही क्रूरता का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से गौ संरक्षण संगठन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश भर में गाय और गौवंशीय पशुओं को लेकर खासी चिंतित है और उनके संरक्षण को लेकर एक बड़ा बजट भी पास किया हुआ है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों में सरकारी गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन मुरादाबाद में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें नगर निगम के कर्मचारी आवारा पशुओं को पकड़ने के नाम पर गौवंशीय पशुओं के साथ क्रूरता करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मेरा नाम सचिन सक्सेना है, मैं मुरादाबाद में श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत को संचालित करता हूँ। जो वीडियो सामने आ रहा है वायरल होके, उसमें दिखाया गया है ये लोग कौन हैं और किस प्रकार से गौ को ऐसे गाय के साथ ऐसा व्यवहार, क्या मानते हैं आप और क्या ये वीडियो और कौन लोग हैं इसके अंदर? देखिएगा, जैसे अभी मेरे सामने वीडियो आई है और इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 गौवंशों को बड़ी बेकदरी से गले में फंदा डालकर नगर निगम के ही वो कर्मचारी हैं, क्योंकि नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान में ये कहा गया है कि सारे गौवंशों को संरक्षण देना चाहिए, मगर इन्होंने नगर निगम ने जो गोदाम जो हैं गोदाम इंचार्ज जो इस समय गौशाला का संरक्षण कर रहे हैं विकास लोहड़ा जी, उनसे अगर गौ संरक्षण के विषय में कोई भी जानकारी लो तो उनके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती। ये जिस तरीके से गायों के गले में फंदा डाला है, ये साक्षात बिल्कुल इससे स्पष्ट होता है कि गायों की बेकदरी की जा रही है, बिल्कुल कूड़ता। जानवरों के साथ जानवर जैसा व्यवहार किस जिम्मेदारियों से देखेंगे? नहीं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि नगर निगम ने जो नगर निगम के अपने सफाई कर्मचारी थे या जो गाड़ी के ड्राइवर थे या हेल्पर थे, उन्हीं लोगों को इस काम पर लगा दिया गया है, जबकि मुरादाबाद में किसी भी गौ संरक्षक को या गौ संरक्षण चलाने वाले किसी संगठन को या किसी गौशाला वाले को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। वीडियो को देखकर जैसी कूटता दिखाई गई है नगर निगम के कर्मचारी हैं, ये मुझे तो हुआ आपको तो क्या ये सही है? नहीं, देखिएगा, बिल्कुल गलत है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ उसमें कि ये जो इन्होंने इसके गले में फंदा डालकर खींचा है और इस तरीके से, असल में जब कहीं हमें गायों को संरक्षण देने के लिए रस्सी डालनी होती है तो हम या तो गाय के पैर में डालते हैं या सींगों में डालते हैं जिससे उसका गला ना घुटे। लेकिन इन्होंने तो साफ तौर पर उनके गले में रस्सी डाली है और इस तरह से खिंचा कि वो मृत अवस्था में दिख रही है कुछ। हाँ, इसमें जैसे अभी आपने मुझे दिखाया इस वीडियो में कि उन्होंने गाय के गले में रस्सी डाली और रस्सी डालकर जब उसका दम घुटने लगा और वो गिर गए, उसके बाद भी रस्सी ना खोलकर उन्होंने जो अंदर को खींचा है वो कुर्ता है, और इसके लिए जो इनका इंचार्ज है उनको उनसे इस विषय में सवाल जवाब करने चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए।